मुकेश अंबानी के बेटे के घर पे एक बेटा का जन्म हुआ। ऑन द अदर हैंड उसके वॉचमैन के घर पे भी एक बेटे का जन्म हुआ। मुकेश अंबानी के बेटे के पास बायर इटनेस सब कुछ, करोड़ों का मालिक है वो, राइट? बेबी टब, बेबी कोट, स्ट्रोलर, सब कुछ है उसके पास, एवरीथिंग। सोने के खिलौने से भी वो खेल सकता है, राइट? अपन ये मानते हैं कि मुकेश अंबानी का बेटा एकदम सुखी, राइट? नो डाउट, सब सहमत है ना, वो बहुत सुखी है। एंड वॉचमैन का बेटा जिसके पास टूटी फूटी झोपड़ी, कुछ खेलने के लिए है तो वो सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने, वो कितना सुखी अपन मानते हैं? वो दुखी ही है, अपन यही मानते हैं ना? कुछ खाने पीने का भी नहीं, वो दुखी है। अपन क्या मानते हैं? मुकेश अंबानी का बेटा जिसके पास सब कुछ है वो सुखी, एंड वॉचमैन का बेटा जिसके पास प्लास्टिक के खिलौने वो कितना सुखी रह पाएगा, राइट? बट गौर से देखा जाए, मुकेश अंबानी का बेटा जितना खुश उस प्लास्टिक के खिलौने, जितना खुश उस सोने के खिलौने से है, उतना ही सुखी वॉचमैन का बेटा उस प्लास्टिक के खिलौने से है। कुछ डिफरेंस था उन दोनों में। कभी उस बेटे को सोने के खिलौने चाहिए थे, he was happy with what he had, obvious, right? उसको कभी सोने के खिलौने नहीं चाहिए थे, they were equally fit and fine, equally. तो doubt नहीं आता है, अगर प्लास्टिक के खिलौने और सोने के खिलौने कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते तो फिर क्यों डिफरेंस आया दोनों, मतलब अपन क्यों उसमें डिफरेंस करते एक दूसरे में? उसमें ही क्यों सुख का लेबल लगाया और इसमें क्यों नहीं लगाया? अपन क्या मानते हैं बोलो? सुख संपत्ति सामग्री में है। इन शॉर्ट, अगर आपके पास संपत्ति सामग्री हो तो आप सुखी हो। तो वॉचमैन का बेटा सुखी कैसे? डील पक्की की जाए, सुख वस्तु में नहीं, सुख आपके विचारों में, सुख आपके किए गए में पक्का किया जाए। अरे समझ नहीं आता, जब हमारे पास कुछ भी नहीं तो हम सुखी कैसे? आपने माना सुख संपत्ति सामग्री सत्ता में है, ओके फाइन, मैं एक सेकंड के लिए मानती हूँ, बट हमारे पास कुछ नहीं तो हम सुखी कैसे? या तो फिर संपत्ति सामग्री हमारे पास नहीं है तो या तो सुख देने के स्वभाव संपत्ति सामग्री में नहीं है, या तो फिर उसके बिना हमारा स्वभाव सुखी नहीं होना चाहिए। क्या है अभी आप बताइए? वस्तु हमें कभी पूर्ण नहीं कर सकती है, फाइनल किया जाए, सबका मुंह हिल तो रहा है। तो फिर भी इन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करना है। आज हम पूरी दिन रात क्यों दौड़ते हैं? अपने कल को बसाने के लिए, राइट? बट किसी ने कल देखा है? कल आएगा, ये भी फाइनल है, तो क्यों दौड़ रहे हो? अरे साधु भगवान का तो अलग ही मजा है, उनकी सुखी रहने का क्या राज है बताऊं? जानना चाहते हैं आप वो इतने सुखी क्यों है? अरे खाली पात्रे होते हैं उनके पास, नो FD, नो बैंक बैलेंस, कल क्या खाऊंगा उसका भी कोई पता नहीं। अरे उनको कंफर्ट्स नहीं, नेसेसिटीज की भी कोई टेंशन नहीं, खाने पीने मिलेगा वो भी कोई टेंशन नहीं, बस 12 बजे निकल पड़े, कुछ मिला तो ले लेंगे, वरना फिर भी हम आनंद में हैं। कैसा ना, कैसी घटना अप्रभाविकता, कैसा सिचुएशन प्रूफ उनके पास है, कोई भी सिचुएशन उन्हें दुखी नहीं कर सकती है। सोचो अगर ऐसा जीवन अपना भी हो जाए तो अपन कितने सुखी रह सकते हैं ना? जब कोई भी घटना, कोई भी वस्तु आपको सुखी दुखी नहीं करे, ऐसा जीवन अगर आप जी सकते हो तो फिर क्यों पड़े हो उस वस्तु को इकट्ठे करने में? साहिब जी अपने घर पे आते हैं, समझो उनका खप पूरा हो गया, अभी उनको और नहीं चाहिए। क्या सुंदर शब्द बोलते हैं वो, वर्तमान जोग, अब नहीं चाहिए, खप नहीं है हमको, बस आज का ले लिया, कल का कल देखेंगे। क्या प्रभु ने अद्भुत भेंट दी है मने।
आज तो जियो, आज तो मस्त रहो, कल का भगवान कल देखेंगे। आज क्यों, अपन आज सब इसी में फंसे हुए हैं। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की पीड़ा हमें सताती जा रही है। ऐसा नहीं है, आज प्रेजेंट में कौन जी रहा है मुझे ये तो बताइए। प्रेजेंट के लिए कौन वर्क कर रहा है आज? ऐसा नहीं है कि अपन फ्यूचर को बसाने में ही रह रहे हैं। पर क्या पता, क्या गारंटी है आपको कि मैं फ्यूचर में इतने टाइम तक रहूँगा, मेरे पास ये सब, मैं ये सब भोगूंगा? क्या गारंटी है ऐसी, बताइए? अगर है ना, 500 करोड़ का मालिक, 500 करोड़ का मालिक रोड पे भीख मांगे ना, कहिए तो सही, आप लोग में से कौन कौन नहीं बोलेगा शिट यार ये भीख मांग रहा है, इसके पास इतने पैसे हैं? ऐसा बोलने वाला कौन नहीं? ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ पे ये नहीं चढ़ेगा, आएगा कि नहीं आएगा? है ना ऐसा? प्रभु को भी बहुत खटकता है जब अनंत सुखों का मालिक, अनंत सुख, अनंत संपत्ति, अनंत लक्ष्मी अपनी आत्मा में पड़ी हुई है, जब अपन उसको यूज़ नहीं, उसको परवाह किए बिना इन पुतगल, इन फ़ोन, इन लैपटॉप से अपन सुख मांग रहे हैं। नेटफ्लिक्स ओपन करके यार मूवी देखते मज़ा आ जाएगा, नेटफ्लिक्स से सुख मांग रहे हो आप लोग? अरे उसमें सुख देने की शक्ति नहीं है। छोटे बच्चे को नेटफ्लिक्स लेके बैठा हुआ और आपको लेके बैठो, कौन सुखी है? किसको समझ आ रहा है? आपको ही समझ आ रहा है। तो नेटफ्लिक्स में देने की खुश, नेटफ्लिक्स में ताकत है देने की खुशी के आपके सोच में, तो क्यों ना आप ऐसे सोचिए, एकमात्र पूर्ण संतोष अपने आप से ही मन लगा दीजिए। क्यों ऐसा नहीं कर सकते आप? आई एम फुलफिल विद वॉट आई हैड, ऐसा क्यों नहीं है? अरे सुख की चाबी यही है, वॉट यू हैव ना, अगर आप उससे खुश हो ना तो बस। एक बार ऐसा सोच के देखिए, आज जो मेरे पास है वो काफ़ी है, फिर एक कप का कॉफ़ी आपको क्या सुखी देख कर पाएगा? एक कप की कॉफ़ी भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप मात्र संतोष में ही रहोगे। ऐसा नहीं बनना है हमको, बस गुरु माँ ने सिखाया है लक्षिता, अनंत भव रख रहे अपन, बस एक एक बार प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया ना, बस बाकी सब कुछ दादा कर देंगे। अरे अपन को कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ वो करने वाला है। सोचती हूँ दीक्षा कभी मांगी नहीं, उसने आज दीक्षा दिला दी, तो फिर मोक्ष की क्या है, वो हमेशा पक्का दिलाएगा, दिलाएगा और दिलाएगा ही। लगनी लागी छे वो अग्नि जागी छे, तारा मिलन है।